अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक बड़ा दावा किया है कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने वाला था और पॉम्पियो का यह दावा है कि परमाणु हमले के बाद भारत ने बालाकोट में उन्हें यह बात भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताई थी और उस वक्त पॉम्पियो हनोई में थे और सो रहे थे और उनका दावा है कि जगाकर उन्हें सुषमा स्वराज से बात करवाए गए और इसी बातचीत में सुषमा स्वराज ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला है, पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने वाला है और भारत भी पलटवार की तैयारी कर रहा है। यानी कि बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई उसके बाद बहुत कुछ भीतर ही भीतर घट रहा था और माइक पॉम्पियो की किताब में इस बात का खुलासा वो करते हैं कि वो तो सो रहे थे लेकिन उनसे बात करवाई गई, उनको उठाकर कहा गया कि बात करिए। तब सुषमा स्वराज तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री उन्होंने बताया कि इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है भारत पर और भारत भी पूरी तरह से तैयार है, भारत भी पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार है। और माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया है। तो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, टेंशन लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में बनी रही। हालांकि उसके बाद से अब व्यापारिक समझौतों पर उसका सीधा सीधा असर पड़ा, द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ा।